आप देख रहे हैं न्यूज 14 भिवंडी और मैं हूं सैयद नकी हसन। पेश है टॉप 10 न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मार्केट से सब्जी खरीद कर घर जा रही महिला के गले से जैन हॉस्पिटल गौरीपाड़ा के सामने अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने गले से मंगलसूत्र छीन कर चोरी कर लिया, जिसकी कीमत 1,20,000 रुपए है। मलवा रामचंद्र की शिकायत पर भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन में सेक्शन 394 IPC के तहत मामला दर्ज। शंकेश्वर बिल्डिंग पद्मानगर के घर से घर का ताला तोड़कर घर में रखे सोने के जेवरात और पैसे की चोरी। कुल विश्वनाथ प्रसाद केसरी की शिकायत पर भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में सेक्शन 454, 457, 380 IPC के तहत मामला दर्ज। तेलीपाड़ा गनेरी से यामा कंपनी की FZ बाइक किसी अज्ञात चोर ने चुरा लिया। श्रीकांत सिद्धेश्वर की शिकायत पर भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में सेक्शन 379 IPC के तहत मामला दर्ज। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेक्युलर बहुजन विद्यार्थी संगठन युवा प्रतिष्ठान कोनगांव की ओर से वैचारिक परिवर्तनाची शिव पहाट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वसंत रेसिडेंसी की पार्किंग पद्मानगर से होंडा कंपनी की डीओ मोटरसाइकिल की चोरी। साई गणेश तुर्जाराम लोहाटे की शिकायत पर भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में सेक्शन 379 IPC के तहत अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भिवंडी शहर अध्यक्ष प्रवीण विनायक देवकर के हाथों मनसे मध्यवर्ती कार्यालय अशोक नगर में शिवचरित्र पुस्तक का वाटप किया गया। बंजारपट्टी नाका परिसर में जीनत अपार्टमेंट बिल्डिंग की पार्किंग से एक्टिवा मोटरसाइकिल की चोरी। अल्ताफ अहमद हुसैन अंसारी की शिकायत पर शांति नगर पुलिस स्टेशन में सेक्शन 379 IPC के तहत अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज। शिव जयंती के अवसर पर भिवंडी शहर और ग्रामीण में सामाजिक कार्यकर्ता और विविध सामाजिक संगठनाओं की ओर से बाइक रैली निकाली गई। यूनिट बिजली की चोरी। पाइपलाइन रोड वड़गांव में एक घर के मीटर में वायर जोड़कर बिजली की चोरी की जा रही थी। विद्युत अधिनियम 2003 के कलम 135 के तहत शांति नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। भिवंडी तालुका के महापोली में छत्रपति शिवाजी मंदिर में शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। भिवंडी की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।